मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के जन्म दिवस पर जिला भाजपा ने मंडी की पदियू पंचायत के बनियूर गांव में एक अति निर्धन परिवार को शौचालय व स्नानागार बनाने के लिए 21,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की। इसके साथ ही भाजपा ने परिवार को घर का गुजारा चलाने के लिए अतिरिक्त राशन भी मुहैया करवाया। मंडी जिला भाजपा ने इस मौके पर कहा कि आने वाले पूरे सप्ताह भर मुख्यमंत्री के जन्म दिवस के मौके पर सेवा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पूरे सप्ताह मंडी जिला के विभिन्न स्थानों पर सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्यों को किया जाएगा। जिला अध्यक्ष रणवीर सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री प्रदेश में आने वाले समय में और तेज गति से विकास करवाएंगे। मुख्यमंत्री आदर के योग्य ठाकुर जयराम जी को उनके जन्म दिवस पर पूरे देशवासियों की तरफ से, प्रदेशवासियों की तरफ से और पार्टी की तरफ से उनकी लंबी आयु की कामना करता हूं। और वो इसी तरह हर साल हर बुलंदियों को छूते रहे, यही हमारी कामना है। इस सेवा माननीय मुख्यमंत्री जी के इस जन्मदिन के अवसर पर सेवा सप्ताह के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने इसको मनाने का निर्णय लिया। उसमें जिला की तरफ से हमने एक छोटा सा अंश एक गरीब परिवार को एक छोटा सा 21,000 का चेक देकर हमने इनमें भागीदारी सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि हमारा गरीब परिवार को किसी न किसी तरह हम आर्थिक सहायता जो हम बीजेपी की तरफ से हो सकती है वो हमने देने की कोशिश की है। उसके लिए मैं इस परिवार को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि जो भी और भी आपको मटेरियल सीमेंट रेत बजरी हम भारतीय जनता पार्टी आपको उपलब्ध कराएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर एक बार मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी तरफ से और देश प्रदेश की प्रदेशवासियों की तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। इनकी थोड़ी इन्होंने वेलफेयर में भी अप्लाई नहीं किया किसी परिस्थितियों के कारण, तो इनके बाथरूम और टॉयलेट की इनको प्रॉब्लम थी जो उन्होंने हमसे बात की हमारे कार्यकर्ताओं से, तो मैंने इनको आश्वासन दिया तो हम आपका बाथरूम का जो भी खर्चा होगा वो हम वहन करेंगे। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए मंडी से विप्लव सकलानी की रिपोर्ट। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं नियरावासियों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि पहले भी उन्होंने मुझ पर विश्वास करके मुझे जिताया, भारी बहुमत से जिताया था। और अब मैं द्वारा लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि 10 तारीख को कुर्सी के ऊपर मोर लगा के मुझे विजय बनाए, ताकि जो एक हमारा सपना है कि मेरा कि हमने नियारा वार्ड को एक आदर्श वार्ड बनाना है, ये सपना आप लोगों के बिना पूरा नहीं हो सकता, इसलिए मुझे भारी बहुमत से जिताया, धन्यवाद। सक्षम व्यक्तित्व, सुदृढ़ नेतृत्व, नेता नहीं बेटा चुने। नगर पंचायत करसोग वार्ड नंबर 3 न्यारा से पार्षद पद के उम्मीदवार मीना राम उर्फ मीनू, जिनका चुनाव चिन्ह है ताला चाबी। नगर पंचायत पार्षद सदस्य वार्ड नंबर 6 करसोग के लिए शिक्षित, कर्मठ, मेहनती, संघर्षशील, ईमानदार, आदर्शवादी, सियोग्य उम्मीदवार ममता देवी को कुर्सी के निशान वाला बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाए। नगर पंचायत करसोग वार्ड नंबर 2 से पार्षद पद के लिए प्रत्याशी आपके जाने पहचाने अनुभवी, कर्मठ, शिक्षित, ईमानदार व योग्य उम्मीदवार गोदावरी को अपना कीमती वोट देकर विजय बनाए, जिनका चुनाव चिन्ह है ताला चाबी। ग्राम पंचायत स्वां माहू से प्रधान पद के युवा, शिक्षित, अनुभवी, कर्मठ व योग्य उम्मीदवार अमी चंद, आपका अपना बेटा व छोटा भाई, ताला और चाबी पर मोहर लगाकर भारी मतों से विजय बनाए।